नमस्कार। अगर आप होम्योपैथिक दवा खाते हैं और मदर टिंचर्स को इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं जो गलतियां आप करते हैं उसकी वजह से आपको बेस्ट रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो 5 गलतियां जो आप लोग करते हैं जिसकी वजह से मदर टिंचर्स इस्तेमाल करने के बावजूद बढ़िया रिजल्ट्स आपको नहीं मिल पाते। मैं हूं डॉक्टर चक्षु, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके हित में है, आपके लिए ज़रूरी है, नॉलेज बढ़ाएगी, दवा खाने का तरीका पता होगा तभी आप उस दवा से फ़ायदा उठा पाएंगे, बातें समझ में आएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़िए, चलिए मिलते हैं और होम्योपैथी की पब्लिक इमेज इम्प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भैया होम्योपैथिक मदर टिंचर्स क्या होते हैं। देखिए, टिंचर्स का मतलब हो गया क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग क्या हो गया कि जो सोर्स था, जो भी दवा हमें लेनी थी हमने उस दवा के सोर्स से जो दवा को लिया, ठीक है, उसे कलेक्ट करा और उसके बाद हमने उस दवा के पार्ट को, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी, कुछ ऐसे सोर्सेज होते हैं दवाइयों के जैसे एनिमल सोर्सेज, प्लांट सोर्सेज, मिनरल सोर्सेज, है ना, तो हमने क्या करा उस दवा के सोर्स को लिया और उस सोर्स में से जो पर्टिकुलर पार्ट हमें चाहिए था हमने वो पर्टिकुलर पार्ट एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब कोई दवा ऐसी होती है जो फ्रेश ली जाती है, कुछ दवा सूखा के ली जाती है, कुछ दवा एक्सट्रैक्ट फॉर्म में ली जाती है, तो इस तरह से हम लोग इकट्ठे करते हैं सोर्सेस। अब उस सोर्स को जब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अल्कोहल में सोक करके रखते हैं और उसे बिल्कुल बंद रखते हैं, छेड़ते नहीं हैं, तो लास्ट में जो एक्सट्रैक्ट अल्कोहल के संग में मिक्स होकर आता है जिसमें एल्कलॉइड्स होते हैं जो कि हीलिंग अल्कोहल एल्कलॉइड्स होते हैं, ये वही कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो आपके शरीर में उस दवा को दवा की तरह प्रयोग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो जो वो टिंक आखिर में जो वो मिक्सचर निकल के आता है अल्कोहल के संग मिक्स्ड, उसी को हम बोलते हैं मदर टिंचर। मदर टिंचर का मतलब है कि अब ये बेस हो गया, इस बेस से हम फ्यूचर में और ज़्यादा पावर की होम्योपैथिक मेडिसिंस बना सकते हैं। यानी अगर आप क्रूड ड्रग लेंगे तो क्रूड ड्रग के अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो अपने सिम्टम्स प्रोड्यूस करती हैं जब आप उसे एक ज़्यादा समय के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए होम्योपैथी में हम लोग पोटेंसीज यूज़ करते हैं और यही वो रीज़न है जो हम लोग क्लेम करते हैं कि होम्योपैथी में साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, क्योंकि जब आप पोटेंसी में कोई दवा इस्तेमाल करेंगे तो ड्रग की क्वान्टिटी उसके अंदर कम होगी, ड्रग की पावर ज़्यादा होगी, तो साइड इफ़ेक्ट्स कम से कम होंगे। कितनी बात कर लेते हैं गलतियों के बारे में। पहली गलती हम लोग जो यहाँ पर करते हैं वो होती है मदर टिंचर की क्वांटिटी, यानी हमें कितनी क्वांटिटी में मदर टिंचर लेना चाहिए। बहुत सारे लोग मैंने देखा है 1 ml से लेकर 1.5 ml, 2 ml, 2.5 ml, और कुछ तो लोग ऐसे भी हैं जो 5-5 ml तक मदर टिंचर एक बार में कंज्यूम कर लेते हैं। हालांकि वो लोग ऑब्वियस बात है टिंचर कड़वा होता है तो पानी में घोल के ही लेंगे, लेकिन उतनी क्वांटिटी जो है ना वो गलत है। कुछ टिंचर्स ऐसे होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल राउल्फिया, ठीक है, डेमियाना, अश्वगंधा, ये ऐसे मदर टिंचर्स हैं जिसमें 5 बूंद मदर टिंचर भी सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत ही नहीं है। और कुछ ऐसे टिंचर्स भी हैं जिसमें क्वांटिटी ज़्यादा लेनी पड़ती है, फॉर एग्जाम्पल आप बर्बरिस वगैरह इसको ले लें, है ना, उसकी एक जो मिनिमम क्वांटिटी रिक्वायर्ड है वो लगभग 10 से 20 बूंद के हिसाब की है, डिपेंडिंग अपॉन द केस एंड डिपेंडिंग अपॉन द स्टोन साइज, है ना। तो इस हिसाब से मदर टिंचर की जो बेसिकली क्वांटिटी होती है वो डिसाइड होती है। तो अगर आपको क्वांटिटी नहीं पता है आप किसी डॉक्टर से संपर्क करें, उनसे पूछें, कोई वीडियो देख लें ढंग की जिसमें बताया गया हो, या फिर आप कुछ नहीं तो केवल जिस दवा विक्रेता से दवा ली है उससे पूछ लें, है ना। तो जितना कम से कम क्वांटिटी हो सके उतना इस्तेमाल करें। तो क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए मिनिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 20 बूंद दवा, 20 बूंद दवा से ज़्यादा मदर टिंचर एक बार में एक खुराक में इस्तेमाल ना करें, वो क्रूड ड्रग है, सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक। दूसरी गलती जो यहाँ पर हम लोग करते हैं वो हो गया डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब क्या है, हम अब टिंचर लेंगे तो उसे हम डाइल्यूट करेंगे, है ना। अब कुछ लोग सोचते हैं कि भाई भले ही दवा कड़वी है लेकिन अगर हम इसे ले लेंगे ना तो हमें जल्दी जल्दी रिजल्ट आएंगे, ज़्यादा डाइल्यूट कर देंगे तो उतने जल्दी रिजल्ट नहीं आएंगे। ये कुछ हद तक सही भी है लेकिन 90% गलत है, 10% ही सही है, और वो कुछ पर्टिकुलर दवाइयों के लिए ही सही है, ये मैं आपसे फ्रैंकली बोलना चाहूँगा, है ना। तो अगर 90% के लिए गलत है तो सही बात क्या है, सही बात ये है क्वांटिटी आपको जिस क्वांटिटी में डाइल्यूट करना है ना
उस क्वांटिटी में डाइल्यूट करने से मदर टिंचर अपने साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस नहीं करता है, इसीलिए पानी में मिलाकर हम लोग पीने के लिए कहते हैं। तो सवाल यह है कितने पानी में लेना चाहिए। बहुत सारे लोग एक ढक्कन पानी में मदर टिंचर को मिलाकर पी लेते हैं, तो क्या ये सही है? नहीं। तो क्वांटिटी ऑफ पानी कितना होना चाहिए? एक कप या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आधा ग्लास। तो लगभग मान के चलें कि 150 ml पानी में आप मदर टिंचर की अगर 15 से 20 बूंद दवा मिला के पीते हैं तो ये एक ऑप्टिमम डाइल्यूशन हुआ, जिससे कि आपको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं मिलेंगे। एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि जो पानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसे गुनगुने पानी में अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया नहीं। अगर दवा को डाइल्यूट करना है, टिंचर डाइल्यूट करना है, तो हल्के से गुनगुने पानी में टिंचर को मिला के ले, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स आपके लिए प्रोड्यूस करेगा। अब देखिए, जो तीसरी गलती हम लोग करते हैं ना, वो सबसे बड़ी गलती है, वो है ड्यूरेशन की। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को देखा है 6-6 महीने से लेके 1-1 साल तक एक टिंचर को रेगुलरली इस्तेमाल करते हुए। क्या आप वास्तव में इस चीज़ को मानते हैं कि इतने समय तक इस्तेमाल करेंगे तो कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आएंगे? पहली बात तो आपको पता ही नहीं चलेगा, बस कुछ लक्षण ऐसे होंगे जो आपको परेशान कर रहे होंगे, उसमें आपको आराम मिलेगा तो आप उस दवा को रेगुलरली इस्तेमाल करेंगे। लेकिन देखिए, टिंचर अपने सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। तो अब सवाल उठता है हमें कितने समय तक लेना चाहिए। देखिए, हमेशा समझिए, कोई दवा अगर आपको फ़ायदा कर रही है टिंचर में तो आप उसे 30 दिन से लेकर 45 दिन तक रेगुलरली इस्तेमाल करें। अगर उससे ज़्यादा इस्तेमाल करना है तो किसी डॉक्टर से परामर्श ले लें। कोई वीडियो में जिसमें अच्छे से चीज़ें बताई गई हों, क्लियर कट, उस वीडियो को देख लें, तभी आपको उस ड्यूरेशन को बढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर आपको ये तीनों बातें नहीं करनी है, है ना, तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसी टिंचर की 6 potencies इस्तेमाल कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, बर्बरेज वगैरह ज़्यादा समय इस्तेमाल करनी है। क्यों? बहुत दिन तक हो गया, 30-45 दिन हो गए, तो उसके बाद बर्बरेज वगैरह 6 यूज़ करिए। डेमियाना 6, अश्वगंधा 6, राउल्फिया 6, है ना। तो जब आप इस तरह के टिंचर्स को 45 days तक इस्तेमाल कर लेंगे और आपको लगे कि भाई डॉक्टर साहब की मैंने वीडियो देख ली, उन्होंने बताया था ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, तो आप ऑटोमेटिकली 6 potency परचेज कर लीजिए। ऑनलाइन अवेलेबल है, मार्केट में अवेलेबल है, दवा विक्रेताओं के पास, वहाँ से ले लीजिए और उसे इस्तेमाल करिए। तो उसे अगर आप फिर से 30-45 दिन तक या 60 दिन तक भी इस्तेमाल करेंगे तो उतनी दिक्कत नहीं है जितनी टिंचर के संग है। अब देखिए, चौथी सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती भी मैं कहूँगा इसमें भी, क्योंकि होता क्या है, हमें यही नहीं पता हमें दवा स्टोर कैसे करनी है। अब हम टिंचर खरीद के ले आए, क्रूड ड्रग है, सबसे पहले समझिए, ऐसी जगह रखिए जो हल्की सी ठंडक में हो। ठंडक का मतलब ये नहीं कि उसे फ्रिज में रख दीजिए, इसका मतलब है कोई ऐसी कवर्ड हो, किचन की कवर्ड हो, कोई स्टोरेज की कवर्ड हो, जिसे आप बंद कर पाएँ, जिसमें हल्का सा अंधेरा हो जाए वो कवर्ड बंद होने के बाद, है ना। और जब कोई चीज़ में अंधेरा सा हो जाएगा तो हल्की सी ठंडक रहेगी। हमेशा ब्राउन कलर की बॉटल में, जैसे बॉटल्स ऑलरेडी आती हैं मार्केट में, वैसी ही ब्राउन कलर की कांच की शीशी में ही आप अपने मदर टिंचर को स्टोर करें, और बच्चों की जो रीच है, ठीक है, उससे दूर रखें, ताकि बच्चे उस दवा को ना पकड़ पाएँ, ना निकाल पाएँ अपने आप। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। टिंचर स्क्रू ड्रग है, बच्चों ने अगर निकाल के ज़रा सी भी डाल दी तो गड़बड़ हो जाएगी। इसी तरह अगर आपने उसे धूप के आसपास या फिर खुली इस एरिया में रख दिया, तो खुली एरिया में रखने से भी टिंचर्स पर फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए हमेशा स्टोरेज के बारे में टिंचर्स को लेकर हमेशा कॉशियस रहिए कि उसकी बॉटल प्रॉपरली सील्ड होनी चाहिए, प्रॉपरली बंद होनी चाहिए, उसके डॉट को आप प्रॉपरली बंद रखें, है ना, और उसे एक प्रॉपर जगह पर रखें जो हल्की सी अंधेरी वाली जगह हो, कबर्ड बंद हो पाए, बच्चों के रीच में ना आ पाए, ठंडक में रहे। अब बात करते हैं पांचवीं गलती के बारे में। देखिए, ये गलती बेसिकली नहीं है, ये लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में। होता क्या है, मदर टिंचर को जब आप यूज़ कर रहे हैं तो ये देखिए रिलीजियस मैटर से कंसर्न्ड एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है, है ना, एक कॉमन सेंस वाली बात है कि सपोज़ करिए बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास अलग अलग रिलीजन के आते हैं, तो कोई ना कोई फास्ट रखते हैं भाई, कुछ किसी का व्रत है, उपवास है, है ना, या फिर किसी कोई से रोज़ा रखा हुआ है, किसी के कुछ अपने डेज चल रहे हैं प्रॉपरली, तो इस तरह से बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। अब पेशेंट्स को नहीं पता कि जो वो टिंचर ले रहे हैं उसका सोर्स क्या है, एनिमल सोर्स है, प्लांट सोर्स है, मिनरल सोर्स है, और भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। तो अब सपोज़ करिए पेशेंट को दवाई की ज़रूरत है, पेशेंट रेगुलरली दवा ले रहा है, लेकिन बीच में उसका फास्ट आ गया और हम उसे बोल देते हैं नहीं नहीं आप दवाई कंटिन्यू करो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, दवा से कोई परेशानी नहीं है, ये गलत है। अगर मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ ना, ये थोड़ी सी एक गलत चीज़ है, इसके ऊपर गौर फरमाना चाहिए एक पेशेंट को भी और एक डॉक्टर को भी।
मैं यहाँ पर थोड़ा सा रिलीजियस बिलीफ के बारे में बात करूंगा। हो सकता है आपको कुछ लोगों को गलत लगे, कुछ लोगों को सही लगे, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरा अपना ओपिनियन है कि भाई मैं अपने पेशेंट्स को बता देता हूँ कि सपोज अगर आपका व्रत है तो प्लीज आप ये दवा मत लीजिएगा, क्योंकि जो इस दवा का सोर्स है ना वो बेसिकली एनिमल सोर्स है। लेकिन अगर किसी दवा का मिनरल सोर्स है या प्लांट सोर्स है तो मैं कहता हूँ कि हाँ, इसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन वो जो एनिमल सोर्स वाली दवा है ना, उसे ना लें, है ना। इसका रीज़न है कि भाई लोग व्रत रखते हैं ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए, जो भी उनके पर्टिकुलर रीजंस हैं। लेकिन किसी की जो भावनाएं हैं व्रत रखने की, मैं उसे ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, मैं उस व्रत को उस उपवास को खंडित नहीं करना चाहता सिर्फ एक दवा की वजह से। अगर पेशेंट दो दिन तीन दिन दवा नहीं भी ले रहा है वो, लेकिन बाकी दवाइयाँ चल रही हैं जो पोटेंसीज में हैं, तो वहाँ पर उसको उस दवा को लेने से कोई भी समस्या नहीं होगी, किसी भी तरह से उसका व्रत खंडित नहीं होगा, है ना। तो व्रत बेसिकली एक तपस्या है जो मैं मानता हूँ। तो अगर रिलीजियस बिलीफ के हिसाब से माने तो अगर कोई भी पेशेंट कोई ऐसा मदर टिंचर ले रहा है जिसके सोर्सेज एनिमल सोर्सेज हैं, तो हमें उसे बताना चाहिए, दवा विक्रेता को भी बताना चाहिए, डॉक्टर को भी बताना चाहिए कि देखो ये एनिमल सोर्स है, अगर आपका व्रत है तो आप ये कुछ पर्टिकुलर डेज इसे मत लीजिएगा, इससे पहले और इसके बाद में आप प्रॉपरली कंटिन्यू कर सकते हैं। जो बाकी दवाइयाँ हम आपको पोटेंसीज में दे रहे हैं, चाहे वो गोलियों में हो चाहे वो लिक्विड में हो, आप उन दवाइयों को कंटिन्यू कर सकते हैं, वहाँ कोई ऐसी समस्या नहीं होगी, है ना। तो ये थोड़ी सी कॉमन सेंस वाली बात है। अगर आपको ये बात पसंद आई हो ना मेरी, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट जरूर करिएगा, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो आई होप कि मैंने इस वीडियो में जो आपको जानकारी दी है ना रिगार्डिंग मदर टिंचर्स की डोसेज यूसेज इन सब चीज़ों के बारे में, और वो पांच मिस्टेक्स जो आपको बताई हैं, चाहे वो जाने अनजाने में आपसे हो जाती हो, लेकिन अगर आपने ये वीडियो देखी है तो आप भी कॉशियस रहेंगे, दवा को इस्तेमाल करने का तरीका, स्टोर करने के तरीके के बारे में आप समझ चुके होंगे। और अगर इसी तरह आप उन दवाइयों को टिंचर्स को इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से दवाइयों को यूज़ करते हैं, तो आपको भी होम्योपैथी दवाइयों से फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, और आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि भाई होम्योपैथी काम नहीं करती। और मेरा इन वीडियोज़ को बनाने का यही उद्देश्य है। तो आई होप आप मेरी बातों से संतुष्ट होंगे, हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इन वीडियोस को लोगों तक शेयर करिए, जनहित में लोगों तक फैलाइए, ताकि हम लोग होम्योपैथी की पब्लिक इमेज इंप्रूव कर पाएं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू।